हे गाइस, मेरा नाम चंद किशोर बख्शी और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से आप सेफ मोड को ऑन कर सकते हैं कोई भी एंड्रॉइड डिवाइसेस में। ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का, और आप जो है इसको मतलब किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है वो मैं पहले बता देता हूँ उसका। सेफ मोड का, सेफ मोड जो है, अगर आप विंडोज़ यूज़र है, अगर डेस्कटॉप में आप विंडोज़ चलाते हैं, लैपटॉप में चलाते हैं, आपने सुना होगा कि सेफ मोड क्या होता है। सेफ मोड जो है वही चीज़ एंड्रॉयड में भी आती है। सेफ मोड का मतलब ये होता है कि आप जो है उसमें, उसके ज़रिए आप बहुत सी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अपने को देती है मोबाइल में। तो जैसे कि आप कई लोगों का मुझसे पूछे गए थे कि अपना जो पॉपअप आया था बीच बीच में वो क्यों आता है, बैटरी ड्रेन इतनी क्यों होती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों एरर्स आते हैं, ये सब। तो देखिए, सेफ मोड में हर चीज़ सॉल्व नहीं होती है, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थर्ड पार्टी एप्स के ज़रिए आती हैं और उसको फिर ये सेफ मोड से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऐप्स के ज़रिए कि वो किससे आया है। तो इसलिए हम सेफ मोड को हमेशा यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको ऑन करना है। देखिए, पहले तो स्क्रीन अपनी ऑलरेडी ऑन ही है, पावर का बटन दबाना है मेरे को, पावर का बटन दबा के इसको सिर्फ रखना है ऐसे। जब ये ऐसी लिस्ट आएगी आपके डिवाइस में, शायद अलग बन के आएगा, मेरे में इसमें ऐसे आता है, पावर ऑफ का जो है उसको 3 सेकंड तक इसको दबा ही रहेगा, दबा के छोड़िएगा नहीं, नहीं तो पावर ऑफ हो जाएगा। 3 सेकंड तक इसको, ये 3 सेकंड भी लगते, 2 सेकंड बस लगे, और ये बोल रहा है रिबूट करना है, तो इसको फिर ओके कर दीजिए। अब ये रिबूट हो रहा है, पहले ये रिस्टार्ट होगा, बंद हो रहा है, फिर उसके बाद वो सेफ मोड में रिबूट होगा। जब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी अपडेट आता है या कुछ भी आता है आपके डिवाइस में, तो आप जो वाइप कैश पार्टीशन है उसको कर लीजिए। उससे ये होता है कि बूटअप जो अपनी स्पीड होती है वो अच्छी इंप्रूव हो जाती है, जो जंग जो कैश फाइल्स होती है वो डिलीट हो जाती हैं अपडेट्स के समय, और काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। अब आप नीचे देखेंगे, जो नीचे देखिए सेफ मोड बन के आ रहा है, इसका मतलब ये अब ये सेफ मोड में हो गया। अब सेफ मोड और नॉर्मल मोड में क्या फ़र्क है, अब देखिएगा। ये देखिए, इसके आइकन्स जो है ना वो देखिए ग्रे हो गए हैं। अब ये होगा कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ, पर अगर मैं कोई भी ऐप, अगर मैं थर्ड पार्टी अगर कोई भी ऐप खोलूँगा मैं, अगर इसको मैं करके रखता हूँ तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आप इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अगर मैं वाईफाई अगर अपना मैं चलाऊँ इसमें, और अगर मैं शायद इसमें कर सकता हूँ, पर सेफ मोड में एक ये होगा, जितने भी अपने थर्ड पार्टी एप्स होंगे ना वो सब डिसेबल्ड हो जाएंगे, और ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये अपने ब्लॉटवेयर है। इसका मतलब ये है कि जब हमने डिवाइस खरीदा तब हमारे साथ इसके साथ इतने सारे ये ऐप्स आए थे, सिर्फ और सिर्फ ये ऐप्स आपको लिस्ट में शो करेंगे, बाकी कहीं भी शो नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी अपने थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं दिख रहे, ये सब ब्लॉटवेयर है जो डिवाइस के साथ आए थे। ये मतलब ये है कि हमको अब चेक करना है कि भाई कैसे किस तरह से ये चलता है। आप अपनी बैटरी स्टेटस देख सकते हैं, और मैं काफ़ी कुछ आप इसमें नेट यूज़ कर सकते हैं। नेट यूज़ करने से एक फ़ायदा ये होगा इसमें कि जैसे कि विंडोज़ में होता है सेफ मोड विद नेटवर्किंग, वैसे ही ये भी नेटवर्किंग के थ्रू इसमें चल रहा है सेफ मोड में। तो अब ये होगा क्या, इसमें आप देख सकते हैं आपका पॉपअप कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है कि पॉपअप आ रहा है। अगर ये नेट चल रहा है पॉपअप नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी आपका प्रॉब्लम कर रही है। एक जन ने बोला मेरे को कि उनका नेट रात में चलता है, मतलब बंद कर देते हैं फिर भी वो चलता है। तो आप सेफ मोड के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं, उससे ये क्लियर पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ मैं और बताऊं, आप सिस्टम में जाके डेवलपर में ऑप्शंस में जाके आप अपने मेमोरी सेट देख सकते हैं कितनी है। हालांकि मेरे कम है मेमोरी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें उसमें चल रही हैं पीछे, इसके कारण मेमोरी कम है। हालांकि मैंने दूसरे जो इसलिए कम बताता है क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो फाइल्स होती हैं उसकी भी वो लेके रखा रहता है, तो बहुत सी ऐसी प्रोसेस जो चलती हैं। अभी आप देखेंगे कि एंड्रॉयड ओएस ये सब मैं यूज़ करता हूँ, इतनी चीज़ें ये पुरानी हिस्ट्री बता रहा है जो जो यूज़ किया गया है अभी तक। और मैं एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, रनिंग सर्विसेज में जाके एक बार आप अपने ऐप्स जरूर चेक कीजिएगा। ये तो खैर मैंने अभी रिस्टार्ट किया है इसलिए वो मेरे को इतना ही दिखा रहा, मतलब ये 2 मिनट हुए 1 सेकंड, तो ये अभी अपने को सिर्फ इतने ही ऐप्स दिखा रहा है क्योंकि ये सेफ मोड में चल रहा है। और आप फ्री देखेंगे तो 1.4 GB रैम हो गई है अब, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये अपना करता रहता है ऑप्टिमाइजेशन। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप इसमें जाके जरूर देखिएगा कि आपका जो ऐप्स है वो कितने समय से चल रहा है। कई लोगों के 2-3 दिन चलते हैं, मेरे खुद चले थे 2-3 दिन, तो अगर
जो ऐप्स 2-3 दिन चलते हैं, जो थर्ड पार्टी ऐप्स किए आपने, उसको आप तुरंत उसको फोर स्टॉप कर दीजिए। उससे ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जो भी क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, वो स्टॉप हो जाएगी, नहीं तो फिर आप रिस्टार्ट कर दीजिए, उसके कारण भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आप जाके एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको इसमें, नीचे मैं जाऊँगा थोड़ा सा और, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट्स में, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट्स को आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दीजिए। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि अगर आपको जो बैकग्राउंड जो प्रोसेस जो हमेशा चलती रहती है ना, वो बंद कर देगा ये, तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस बाकी मत सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने स्टैंडर्ड लिमिट में बहुत पहले रखा हुआ था, लेकिन मैंने अब इसको मैंने नो बैकग्राउंड प्रोसेस को कर दिया है। तो ये रहता है इसके फायदे एक तो, और दूसरा ये कि अगर आपको बैटरी, अब आपको टेस्ट करनी है कि आपकी बैटरी कैसी, क्योंकि हालांकि सब जानते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसे कि बैटरी कंज्यूम हो रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे में 38 मिनट SOT है, क्योंकि ऑलरेडी मैं हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो मेरी स्क्रीन बंद रहती है, तो उसके कारण वो स्क्रीन यूसेज को करेक्ट नहीं दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी तक मैं सुबह से, और यही मतलब है सेफ मोड का यूज़ करने का, कि इसमें आप अपने प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी वायरस होगा ना, तो वो सेफ मोड में वायरस डिसेबल्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थर्ड पार्टी होती है वो उसमें काम नहीं कर पाएंगी। तो सेफ मोड का बहुत अच्छा रोल है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। हालांकि आप प्ले स्टोर में जाके अपने नेट खोल सकते हैं, बढ़िया कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको पूरा नेटवर्किंग के थ्रू ये एक तरह से सेफ मोड चल रहा है। अब सेफ मोड कैसे बंद करें, तो ऐसे ही सेम टू सेम पावर का बटन दबाइएगा। अगर आप पावर ऑफ का दबाएंगे ना, तो फिर से वो रिबूट हो जाएगा इसको सेफ मोड में, तो उसको कैंसिल कर दीजिए, फिर पावर ऑफ का बटन दबाइए और फिर इसको रिस्टार्ट का बटन दबा दीजिए। देखिए अभी तो सेफ मोड लिख कर आ रहा है, अब इसको रिस्टार्ट होने दे देता हूँ मैं। अगर आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रही है ना, तो आप सेफ मोड में चला के उसको छोड़ दीजिए, या आप कुछ दूसरा काम करिए, मतलब उसी में दूसरा कुछ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए। सो बेटर मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार इसको सेफ मोड में ज़रूर चलाइएगा। अब देखिए कि यहाँ पे सेफ मोड का आइकन चला गया है, और अब आपके पास ये नॉर्मल मोड में आ गया है। मैं लॉन्चर यूज़ करता हूँ, रूथलेस लॉन्चर, और अभी अब ये देख सकते हैं कि जितने आइकन्स है वो अपने आ गए, ये लिस्ट है पूरे आइकन, ये देखिए थर्ड पार्टी ऐप सब कुछ आ गया है यहाँ पे। तो ये है अपना नॉर्मल मोड में इसमें आ गया है। तो आप ये इस तरह से सेफ मोड और नॉर्मल मोड में डिफरेंस समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा वीडियो बनाने का, कि मैं आपको सेफ मोड का बता सकूँ। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दे के रखा हूँ मैंने, नीचे लिंक दी है, वहाँ पर आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा नाम चंद्रकिशोर बख्शी, एक्सप्लोर गिज़्मो की तरफ से मैं आपको बाय बोलता हूँ। बाय 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 बाय।